इस वक्त की खास बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं लीजा चंदेल जुड़ चुकी हूँ इस वक्त की कुछ बड़ी खास खबरों को लेकर। बता दें, उज्जैन नगरी से आ रहा है अगला समाचार, जहां पर उज्जैन नगरी में कहीं ना कहीं फिर से एक बार सफाई व्यवस्था पर प्रश्न उठने लगे हैं। नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठने लगते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और करोड़ों का बजट पास कर सफाई व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है, तो यदि वास्तविकता पर गौर किया जाए तो उज्जैन की वास्तविक स्थिति हम सभी के सामने है, जहां पर हर वार्डों में जगह जगह आपको कचरा देखने को मिल रहा है और शिकायत करने पर नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि वे अपने कर्मचारियों से थक चुके हैं। कर्मचारियों के द्वारा उनके कहने पर भी किसी प्रकार के कार्य को अंजाम नहीं दिया जाता है, सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब नगर पालिका के अधिकारी ही इस तरीके की टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वे अपने कर्मचारियों से भविष्य में भी काम करवा पाएंगे या नहीं, या कर्मचारियों की मनमानी इसी तरीके से जारी रहेगी। उन्हें एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चलाकर प्रत्येक गांव शहर का बजट बनाकर करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसके लिए हर जगह स्थानीय निकाय कमर कसकर अपना नंबर लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्हें नगर परिषद ऐसी है जहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि वे थक चुके हैं, सफाई कर्मचारियों द्वारा उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती और उन्होंने ऐसा बयान सोमवार को प्रतिनिधि को दिया। सफाई व्यवस्था नगर की बदहाल हो गई है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, नालियों से आधा आधा फीट गारा मिट्टी जमा होकर गंदी बदबू आने लगती है, मच्छर इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके लिए नगर परिषद 29 स्थायी तथा 35 अस्थायी तथा 3 कचरा गाड़ी चलने के बाद भी सफाई व्यवस्था बदहाल हो चुकी है।